Do subscribe and don't forget to press the bell icon to get instant notifications. पंडरपुर महाराष्ट्र में भीमा नदी अथवा चंद्रभागा नदी के किनारे पर बसा पंडरपुर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। 2000 वर्ष से भी अधिक पुराने इस धार्मिक स्थान की बस्ती बड़ी घनी है। इसकी गलियां भी काशी की गलियों की भांति बहुत संकरी है। विठल के मंदिर में विठल की मूर्ति खड़ी अवस्था में है, जिसके दोनों हाथ कमर पर हैं। खड़ी मूर्ति और पुंडरीक नामक भक्त के परस्पर संबंध में एक कथा प्रचलित है। पुंडरीक अपने माता पिता का परम भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण उसे वरदान देने के लिए स्वयं उसके पास पहुँचे। पुंडरीक उस समय अपने माता पिता के पैर दबा रहा था। वह कृष्ण के आने पर भी नहीं उठा, माता पिता की सेवा करता रहा। उसने पास में पड़ी एक ईंट श्री कृष्ण को दी और सरका दी तथा उन्हें अपने माता पिता के सो जाने तक उस ईंट पर खड़े होने के लिए कहा। श्री कृष्ण दोनों हाथ कमर पर रख ईंट पर खड़े हो गए और सेवा में लीन पुंडरीक को देखते रहे। माता पिता के सो जाने पर पुंडरीक खड़ा हुआ और कृष्ण से पूछा, यहाँ पधारने का कष्ट किस लिए किया? श्री कृष्ण ने उन्हें उनकी माता पिता की भक्ति पर प्रसन्न होने के बारे में बताया तथा पुंडरीक को वरदान देने की अपनी इच्छा व्यक्त की। पुंडरीक ने वरदान ना प्राप्त करने की इच्छा की। कृष्ण द्वारा इसके लिए जिद करने पर पुंडरीक ने उन्हें इस ईंट पर उसी प्रकार बने रहने का अपने वरदान के रूप में आग्रह किया, ताकि लोग उनके दर्शन सुगमता से कर सके। कहते हैं कि तभी से यह मूर्ति खड़ी है। श्रद्धालुओं का यह विश्वास है कि मूर्ति युगों से यहाँ ही खड़ी है। मंदिर के आसपास के कुछ अन्य दर्शनीय स्थलों में सबसे पहला नाम है विठल मंदिर का, अगला है संत नामदेव समाधि एवं श्री रघुमाई मंदिर का।